आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज आपको सुनवा रहे हैं नाटिका षष्ठी पूर्ति। लेखिका हैं ज्योत्सना देवधर और निर्देशक हैं पुरुषोत्तम दार्वेकर। आ गई? हाँ। कहाँ गई थी? मंदिर। पार्वती? हाँ। बैठो ना थोड़ी देर। चलो उठो, सुबह से बरामदे में बैठे हो, चाय नाश्ता तक नहीं किया। लो ये शॉल ओढ़ लो। बात बदल दी? ठीक तरह से ओढ़ लो ना, पैर खुले हैं, ठंड लग जाएगी। ओढ़ा दो अपने हाथों से। पार्वती छोड़ो हाथ, कोई देख लेगा तो? देख लेगा तो कहेगा ढलती उम्र में भी दोनों कितना प्यार करते हैं, कितने पगले हैं। नहीं नहीं, पगल तो नहीं करते। जाओ। कहाँ? अंदर। इजाजत नहीं है। क्यों? हमारी मर्जी। अच्छा लो बैठ गई। पारो, सचमुच यही सोचा था तुम्हारी 60वीं सालगिरह ऐसे ही धूमधाम से हो, यही चाहा था मैंने। हाँ, काफी चहल पहल रही, घर भर गया था, 15 दिन देखते देखते बीत गए। लड़के आए, बहू बेटी आई, बच्चे वाले आए, मेहमान आए, खाना पीना होता रहा, सच बड़ा मजा रहा। हाँ, पूरा घर हंसी खेल से भरा रहा। आप जो है घर के करता धरता, जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ, आपकी जिद थी, नहीं तो मेरी षष्ठी पूर्ति। देखो ना, मैं एक सामान्य सी गृहस्थिन, सीधी सी सादी सी, न कोई विशेषता न कोई गुण। पार्वती, सब कुछ होते हुए भी न कुछ सा बने रहना, अपनी सादगी में ही अपनी विशेषता छिपाए रखना, ये कोई सामान्य बात नहीं। तुम्हारा तो हर जन्मदिन क्या, हर नया दिन मनाना चाहिए धूमधाम से। सच? सच कह रहा हूँ। हंस क्यों रही हो? यूं ही। जाओ, यूं ही रो देती हो तुम, लेकिन तुम बिना वजह हंसती कभी नहीं। देखो ना, गुड्डा गुड्डी से कहानी शुरू हुई और गुड्डा गुड्डी पर आकर खत्म हो गई, है ना हंसी की बात? समझा नहीं। कैसे समझोगे, ये तो मेरी बात है ना। तुम्हारी बात और मुझसे अलग होती है। चुप हो गई? नहीं कुछ नहीं। फिर से बात टाल गई, क्या हो गया है आज तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, वो गुड्डा गुड्डी वाली बात? हम दोनों ने गृहस्थी शुरू की और अब हम दोनों ही रह गए, पंछी उड़ गए, बड़ा सा घरौंदा बना, बड़े बड़े बर्तन आए, ढेर सा सामान जुटा, लेकिन जिनके लिए ये सब कुछ किया गया उनके अलग अलग नीड बन गए, रह गए बस हम दोनों। उदास हो गई? नहीं तो उदास कहाँ हुई, नियति का चक्र ही ऐसा है, मान लेना चाहिए। नौकरी की वजह से लड़के दूर गए, लड़की शादी होकर चली गई। जानती हूँ, लेकिन इस उम्र में गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं खेला जाता। पगली? क्यों? उम्र से बुढ़ाने वाली तुम नहीं, अब भी वैसी ही हो जैसी विवाह के दिन, छोटी सी, अच्छी सी, सुंदर। चलो तो। पारो, याद है हमारे प्रथम मिलन का वह सुनहरा क्षण? क्या हो गया है तुम्हें? कहो तो उठूं, तुम्हारे चाय नाश्ते का समय बीतता जा रहा है। चलो मैं भी अंदर चलूं तुम्हारे साथ, आज अकेले बैठा नहीं जाता। लो अखबार पढ़ो, मैं अभी आई। पढ़ लिया अखबार। सुनो, मंदिर गई थी ना मुझे अकेले ही छोड़कर। क्या मांगा भगवान से? कुछ नहीं। सच? सच्ची, मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती, सब तो है उसकी कृपा से। इतनी तृप्त हो, इतनी सुखी हो? हाँ सचमुच। ओह कितना खुश नसीब हूँ मैं। पोस्टमैन। चिट्ठियाँ, 1 2 3 पढ़ो ना। अब पढ़ रहा हूँ, तुम भी कमाल करती हो। लो ये ऐनक लो, पढ़ो ना। किसकी है इतनी चिट्ठियाँ? ये तो लगती है तुम्हारी बहू की। तो पढ़ो ना। भाई वाह, लिफाफे पर पता मेरा और पत्र तुम्हें। आपके भरोसे तो जी रही हूँ, भाई पढ़िए ना। सुनो, काफी लंबा पत्र है। माँ, हूँ तो मैं आपकी बहू। माँ, हूँ तो मैं आपकी बहू, लेकिन शादी होकर आपके साये में आई तो आपको देखते ही मुंह पर आया माँ,
मैं पराई घर की, पराई जाति की, जात पात के सब बंधन से परे रखकर आपने मुझे अपनाया, माँ का प्यार दिया। बचपन से ही जिस माँ को ढूंढ रही थी वो आपके रूप में ससुराल में मिली। आपकी षष्ठी पूर्ति के लिए हम सब उसी परम पवित्र छांव तले इकट्ठा हुए थे। आपका ममतापूर्ण हाथ जब मेरी पीठ को सहलाता रहा तब सचमुच सुख के कांटे उभर आए मेरे पूरे शरीर पर, गले में खुशी से स्वर अटक गया। आपने अपने आचार विचार, उपचार, व्रत, देव धर्म, कुलाचार सब मेरे लिए छोड़ दिए और मुझे हमेशा सम्मान दिया। आप पतिव्रता का आदर्श रूप हैं। पिताजी की छोटी सी बात भी आपके सर आंखों पर, लेकिन जब वे मुझ जैसे परजाति की लड़की को ब्याहने पर, अपने बेटे को घर से निकालने पर तुले, तब आपने शांत मन से अपने बेटे के साथ प्रस्थान की तैयारी की। झगड़ा नहीं, रोना धोना नहीं, बात का बतंगड़ नहीं। पिताजी मुझ पर काफी खफा थे, छोटी छोटी बात में बिगड़ जाते। एक दिन याद नहीं किस बात पर नाराज होकर पिताजी कह उठे, निकाल दो घर के बाहर उस असभ्य असंस्कृत पराई जाति की लड़की को। आपने दौड़कर उनके पैर पकड़े और कहा, धीरे बोलो ना, बिटिया सुनेगी तो दुखी होगी। मेरी सौगंध है आपको, जो कभी आपने उसे पराया माना तो। हम दोनों पास के ही कमरे में थे और ये सब सुन रहे थे। मैं रोने लगी तो इन्होंने कहा, चुप हो जाओ, रो नहीं, माँ तुम्हें रोते देखेंगी तो खुद रोने लगेंगी, और हाँ, माँ को पता न चले कि हमने ये बात सुन ली है। ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं माँ, मैं आपके प्यार तले बढ़ती गई, सयानी हुई, जीने लायक बनी। सचमुच माँ, सर्वार्थ में मनुष्य बनी, नारी बनी। आप हैं ही इतनी महामना। आप हैं ही इतनी महामना। बस बस, बिटिया तो पगली है, दूसरा पत्र देखो। नहीं पारुफ, गलती मेरी थी, भुगता तुमने। जाने दो, पुरानी बातें हैं, भगवान की कृपा से सब अच्छा ही हुआ। लो ये दूसरा पत्र, लिफाफा फाड़ दिया है, लगता है मनु बेटे का है शायद। हाँ हाँ, तुम्हारे दूसरे बेटे का, कलाकार बेटे का। देखो तो मोती जैसे अक्षर लिखे हैं। और देखो पारो, ये देखा, पत्र के अंत में एक रेखा चित्र भी है। अच्छा, देखो कितना सुंदर है। ओह, दो पद चिन्ह और उन पर नथ एक युवक मस्तक, पैरों पर फूल चढ़ाती हुई अंजलि। आखिर कलाकार है ना, लेकिन लिखा क्या है? माँ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे अनगिनत आशीर्वचन, यही है मेरी जिंदगी की दौलत। तुम जैसी मेरी माँ ना होती तो मैं काल चक्र में पिस जाता, सामान्य जीवन बिताता। आज दुनिया मुझे बड़ा भारी कलाकार मानती है, अगर गण्य सितारिया मानती है, हर्ष स्तुति मान सम्मान बिछाती है, लेकिन माँ, ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है। मैं जब छोटा था तब हम गरीब थे, काफी गरीब। तुम कपड़े सीती थी, आधा पेट खाती, ढेर सा काम करती, फटे कपड़े पहनती, लेकिन मेरी ड्राइंग और सितार की क्लासों की फीस जरूर जुटाती थी। मैं कॉलेज ना जाता, पिताजी नाराज होते और मुझे कोसते। मैं चिढ़ जाता, बिगड़ उठता, तो तुम शांत स्वर में कहती, बेटा, वे तेरे पिता हैं, अपने बेटे के बारे में उनके कुछ धारणाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनका नाराज होना ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी इच्छा जानती हूँ, तुम्हारे सपने पहचानती हूँ, तुम्हारी रुचि अरुचि जानती हूँ, लेकिन बेटे, जो तुम चाहते हो उसे पाने के लिए खूब कष्ट झेलने होंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ, यश पाओ मेरे लाडले, यश पाओ। माँ, तुम्हारी षष्ठी पूर्ति के लिए आया था, न जाने क्यों तुम्हें देख कर रोना आ गया। तुम 60 साल की हो गई हो। नहीं माँ, हमें छोड़कर जाना नहीं। माँ, अपने बेटे को छोड़कर जाओगी तो नहीं? भगवान तुम्हें 100-100 साल की उम्र दे, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए माँ, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए माँ। पगला कहीं का, देखो तुम बुरा मत मानना, छोटा है अभी। ना पारो, ना, बहू ने बेटे ने ठीक ही लिखा है, कितना त्याग किया है तुम। मालूम नहीं कितने जन्मों का पुण्य पल्लू में था, सो तुम्हारा साथ मिला। पार्वती, तुम बहुत अच्छी हो, एक बच्चे सी, भोली, निष्पाप। मैं कहती हूँ आज हो क्या गया है तुम्हें, चलो उठो, नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँ। और ये तीसरा पत्र तुम्हारी बेटी का है, इसने भी माँ की आरती उतारी होगी,
हाँ, बाप को कौन पूछता है? ऐसा मत कहो, मेरे बच्चे ऐसे नहीं, अपने पिता का खूब आदर करते हैं। पारो, एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। हमारी बिटिया का जन्म हुआ था, तुम काफी बीमार थी और ऐसे समय में मैं बड़ी बेदर्दी से पेश आया था तुमसे। चलता है, घर है, कुनबा है, वहाँ ऐसी छोटी छोटी बातें हो ही जाती हैं, दो बर्तन आपस में खनक ही जाते हैं। बस इतना ही, और कुछ नहीं। और क्या, खनक शून्य में समा जाती है, बर्तन शांत हो जाते हैं। सोचा ही था तुम्हें मालूम नहीं होगा, जानती तो कभी सहती नहीं, बिल्कुल नहीं। पारो, आज तुम्हें बता दूं, तुम बिटिया के समय बिस्तरे से लकी पड़ी थी, उस समय तुम्हारी छोटी बहन आई थी, तुम अपनी छोटी बहन के लिए अच्छा वर ढूंढने की चिंता में थी। ऐसे समय हम दोनों, मैं और तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें धोखा दे रहे थे, तुमसे प्रताड़ना कर रहे थे। पारो, मैं मुझे मालूम है, सब मालूम। क्या मालूम है? हाँ। और फिर भी एक बार भी नाराज नहीं हुई, चीखी चिल्लाई नहीं, रोई धोई नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, अपनी बहन से झगड़ी नहीं, उसे घर से निकाला नहीं। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, रेशमी डोर से बंधा हुआ, सहज न टूटने वाला। एक की गलती दूसरे की भी गलती होती है, आपस में संभाल लेना होता है। फूटे बर्तन सब बर्ताव गृह लक्ष्मी को शोभा नहीं देता, घर की सब सुख शांति नष्ट हो जाती है, बच्चे अनाथ से हो जाते हैं। लेकिन उस समय मुझे कुछ कह सुन लेती, कुछ दंड दे देती तो आज तक इतने साल तक अपने पाप का बोझ उठाए न घूमता। पारो, सच कहता हूं, जब आंखों से नशा उतर गया तब पता चला कि कितना क्या हो गया है, और तभी से आज तक अपनी सलीब अपने कंधे पर ढोए दंड की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें दंड दिया था, कड़ा दंड दिया था, याद नहीं? कड़ा दंड मुझे? हाँ। क्या कह रही हो? याद नहीं, करीब साल भर मैं व्रतस्थ थी। पारो, पार्वती। हाँ, मैं व्रतस्थ थी, पूरे एक साल तक मैं तुम्हारी सब कुछ थी, लेकिन पत्नी न थी। पारो, मेरे पारो, मैं कुछ जान भी न सका, तुम्हारी कमी महसूस न कर सका, मैं मोहन था, पागल था, बुरा था, माफ करना मुझे। पारो, पार्वती, मुझे माफ कर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, मेरे पांव छूकर मुझे यूं नरक में न ढकेलो। देखो, यज्ञ होता है तो आहुति पड़ती ही है, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ राक्षस भी आते हैं, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाता है। स्त्री को आनंदमयी होना चाहिए, आनंददात्री होना चाहिए, समिधा बनकर जीने का सुख तुम क्या जानो। देख नहीं रहे आज कैसी रानी बनी बैठी हूँ, मेरा घर कैसा वैभव तृप्ति सुख संतोष से भरा पूरा है। बताओ तो भला, षष्ठी पूर्ति सब किसी की होती है और वो भी इतनी धूमधाम से? नहीं नहीं, मुझसे भाग्यवती और कोई न होगी। पारो, उठो ना, देखो धूप चढ़ रही है, चाय स्नान खाना सब होना है, आ रहे हो ना? आ रहा हूँ पारो, आ रहा हूँ पारो। तुम कहो मैं ना, तुम ही तो मेरी संजीवनी हो। हवा महल में आज आप सुन रहे थे नाटिका षष्ठी पूर्ति। लेखिका थी ज्योत्सना देवधर और निर्देशक थे पुरुषोत्तम दारवेकर। ये नाटिका विविध भारती की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।